नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आज 20% तक का तेजी देखने मिला, आखिरकार वो 15% तेजी के साथ बंद हुआ। और ये स्टॉक जो है मात्र 30 रुपये का है और ये छोटा सा शेयर इतनी तेजी देखने इसमें मिल रहा है और ये स्टॉक्स है बैंकिंग सेक्टर का। तो चलिए इस स्टॉक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन देख सकते हैं, मार्केट कैप मात्र 2577 करोड़ है। इतना छोटा सा एक पैनी शेयर है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कहें तो ये एक माइक्रो कंपनी टाइप का है, मतलब माइक्रो से थोड़ा ऊपर है और पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, देख सकते हैं 12.23। ऐसे तो पी रेशियो 10 के आसपास हो तो वो कम ही होता है। बुक वैल्यू 80 का है और डिविडेंड भी पे करती है, देख सकते हैं 30% का डिविडेंड पे करती है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड 1.86 का है, इतना हाई डिविडेंड यील्ड है। तो ये सारी खूबियां आपको इसमें देखने मिलेगा जो कि एक अच्छे स्टॉक्स में होनी चाहिए। डिविडेंड आप यहां पर देख ही लिए कि ये देख सकते हैं 30% का। कभी कभी तो ये जो है डिविडेंड जो पे करती है देख सकते हैं 130% का, 100% का, तो इतना ज़्यादा ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। साथ साथ आगे दिखाते हैं आपको बोनस भी ये पे करती है। देखिए 2018 में, 2010, 2006, 2002, 1995, तो इतना बार जो है हमारा डिविडेंड भी पे किया है, बोनस भी पे किया है। डिविडेंड तो हर साल पे करती है, बोनस भी पे किया है, देखते हैं हर बार। उसके बाद स्प्लिट यहाँ पर देखते हैं, स्प्लिट 10 से फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ तो आ गया किस पे, 2 पे, 10 से स्प्लिट होकर के 2 में, तो ये भी बोनस की तरह है। मतलब इतना ज़्यादा बोनस आपको दिया है एक छोटी सी कंपनी, ऐसे कंपनी में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और एक दिन में आप देखते हैं 16% का तेजी इस पे क्लोज हुआ, 20% के तेजी के पास ये पहुंच चुका था, क्लोज हुआ 16% पे। तो ये स्टॉक्स कौन सा है, और आपको बता दें इस स्टॉक में मैंने कल ही माल उठाया था, समझ सकते हैं कल मैंने इन्वेस्ट किया, आज मुझे 16% का रिटर्न प्राप्त हो गया। ऐसा लक होता है, हमने इस पे काफ़ी रिसर्च किया था इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे, उसके बाद मैंने इस पे इन्वेस्ट किया था, ज़्यादा नहीं छोटे अमाउंट में ही किया था क्योंकि एक पैनी शेयर था, तो इसलिए मैंने फंडामेंटल सारे स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद मैंने कम ही अमाउंट इन्वेस्ट किया। लेकिन देखते हैं एक दिन में 16%, एक दिन में 16% का रिटर्न, इतना रिटर्न प्राप्त करने में कोई भी स्टॉक में आपको सालों लग जाते हैं और ये स्टॉक मात्र एक दिन में 16% का रिटर्न आपको दे चुका है। ये स्टॉक है करूर विद्या बैंक, यहाँ देखते हैं करूर विद्या बैंक, ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है। आपको सारे हमने कॉरपोरेट एक्शन दिखा दिया और इसके फाइनेंशियल भी देख लीजिए कितने बेहतरीन है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो इसके फाइनेंशियल देख सकते हैं कि हमेशा ये प्रॉफिट हुआ, हर क्वार्टर में देख सकते हैं कभी प्रॉफिट में फॉल हुआ, कभी में प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रॉफिट हर क्वार्टर में हुआ है। क्वार्टर फोर का यहाँ पर रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे कभी जैसे ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न का, ये कैसा कैसा रिटर्न दिया है, कब कितना दिया है। एक दिन में देख सकते हैं कि ये क्लोज हुआ है 16% के तेजी के साथ, मतलब ये स्टॉक जो है 28 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का भी ये स्टॉक नहीं था, मात्र 28 रुपीज़ का था, मैंने इसे 27 रुपीज़ के आसपास इसे ख़रीदा है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न ये दे चुका है मात्र 2 दिनों में। उसके बाद एक मंथ का रिटर्न देखते हैं तो एक मंथ में 19%, मतलब पिछले 2 दिन से ही इसमें तेजी देखने मिला है। 1 ईयर में देखिएगा तो -54%, अभी भी काफ़ी लो प्राइस पे आपको मिल रहा है। आपको हम इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे क्योंकि आपको खुद अपना रिसर्च करना है, हम आपको बता रहे हैं कि कौन से शेयर अच्छे हैं। तो हमारा जो होता है वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है कि आप स्टॉक मार्केट से लगातार अपडेट रहें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानें। आपको अपना खुद का रिसर्च करना है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है आगे थोड़ा सा गिरावट भी आ जाए क्योंकि जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे उसमें काफ़ी लोन डिफॉल्ट होंगे, जिसके कारण इस सारे स्टॉक में गिरावट भी आपको आगे देखने मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके आपको अपना कैपिटल कितना रिस्क पे डालना है ये सारी चीज़ें सोचना है। 5 ईयर्स में देखते हैं -59% का रिटर्न, मतलब काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स पिटा हुआ है। मैक्सिमम में बात करें देख सकते हैं कितना पॉजिटिव बेहतरीन रिटर्न दिया है, 1500% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है जो कि ये देख सकते हैं। काफ़ी मतलब पिछले कई सालों से ये पिटा हुआ स्टॉक्स है और अब जो मैक्सिमम की बात करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है।
और अगर हम इस स्टॉक में जो गिरावट आया है, मतलब ये जो पिटा गया है, उससे पहले के रिटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ से 2020 से 2016 तक में ये 5000 से 6000% तक रिटर्न दिया है, अप्रॉक्स ये 6000% के आसपास रिटर्न दिया है। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिले, एकदम इंट्रेंसिक वैल्यू पर मिले, इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे मिले, तो आप इन्वेस्ट करना ज़रूर पसंद करेंगे। तो हमारा जो काम है वो आपको एजुकेट करना है, और आपको खुद डिसीजन लेना है, आपको खुद अपना रिसर्च करना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम टिकर टेप वेबसाइट पर देखते हैं, फोरकास्ट में 69% एनालाइज जो मतलब बड़े बड़े सजेशन देने वाले हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ब्रांड का यहाँ नाम तो आपने देख लिया, करूर विद्या बैंक है, और बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक्स है। इसके बाद यहाँ फाइनेंशियल ट्रेंड देख सकते हैं, प्रॉफिट में लगातार इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं अभी रेवेन्यू में लगातार इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, इसी कारण ये स्टॉक्स इतना पिटा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जीरोधा के, हमने ये आपको जो चार्ट दिखा रहा है जीरोधा में हमने ओपन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 100 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके पास आज क्लोज हुआ है, और यहाँ से अगर इसमें तेज़ी आती है तो निश्चित है ये 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा। तो इसमें आगे बहुत ही तेज़ी की संभावना है। नीचे जो इसमें गिरावट हो सकती है, तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो 23 रुपीज़, उससे ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो 25 रुपीज़। तो पहला रेसिस्टेंस 25 रुपीज़ है, उसके बाद नीचे का जो रेसिस्टेंस है वो 23 रुपीज़ है, और जो सबसे बड़ा मेजर रेसिस्टेंस है वो 20 रुपीज़ है। इसके बाद हम RSI की बात करें, तो यहाँ पर देखते हैं RSI जो है वो 74 से भी ऊपर चला गया है, 74.40, तो मतलब जो कि ओवर बाउट हो चुका है, तो ये ओवर बाउट होने का सिग्नल दे रहा है। तो अब आपको डिसीजन लेना है क्या करना है, क्योंकि आगे का जो सिचुएशन है वो आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट में तेज़ी बनी रही तो ये स्टॉक में भी तेज़ी होगा, देख सकते हैं एक दिन में 20%, 10%, 5% इतनी तेज़ी देखने मिल रहा है इस स्टॉक में। तो एक छोटा सा जो डायमंड है, जो एक छोटा सा ये बहुत ही डायमंड स्टॉक्स है, तो ऐसे स्टॉक्स आपको जब भी मिले, मतलब आप रिसर्च करते हैं, हमने आपको एजुकेट कर दिया, आपको लगातार जो है खबर देते रहते हैं कौन अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, और आपको अपना रिसर्च करना है, उसके बाद फिर इसमें पोजीशन बनानी है। तो अभी तो इसमें तेज़ी बहुत आ चुका है, तो अब आपको देखना है आगे जाने का पोटेंशियल अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो 43 रुपीज़ है, मतलब यहाँ से भी अभी 10 रुपीज़ ऊपर जो हमारा है वो 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो 50 डे का जो मूविंग एवरेज 50 रुपीज़ जो है वहाँ तक जा सकता है। तो समझ सकते हैं आगे कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें आगे जाने का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम लॉन्ग टर्म चार्ट पर आपको लाए हैं, ताकि बैंक का जो आगे पीछे का जो हिस्ट्री है इसका रिटर्न का वो आपको दिखा सके। तो यहाँ देख सकते हैं 1999 से हम आपको चलते हैं, जब तक इसमें भारी गिरावट करेक्शन नहीं आया, तो देख सकते हैं 8000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो समझ सकते हैं मतलब इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, अगर इसका बिजनेस आगे आपको देखना है कि अगर अच्छा चला तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको 100 टाइम्स भी कर सकता है, 10 टाइम्स भी कर सकता है, 50 टाइम्स भी कर सकता है। तो इतनी पोटेंशियल है इस स्टॉक में, अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है, बैंकिंग सेक्टर में तेजी बना रहता है आगे, तो ये स्टॉक्स आपको एक मल्टी बैगर, एक मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।